नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस में। रखे आपको सबसे आगे, तो आज हम आपके लिए लाइव रिव्यू लेके आए हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट पर, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो और क्या क्या प्रोसेस हुआ है इनका, हमारे साथ एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना ये शेयर किया है, ठीक है। और मैं आज यहाँ पर आगरा मंडल DRM ऑफिस के बाहर ही हूँ, यहीं पर हूँ, और पूरे दिन लाइव कवरेज आपको ये मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो या लाइव करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले इनको क्या करवाया गया, देखिए टाइम तो कुछ दिया नहीं था, तो ये कल यानी 19 तारीख को गए थे और 10 बजे ये पहुँच गए थे। फिर उन्होंने अपने जो इनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको इन्होंने इन्फॉर्म किया, पूछा वहाँ पर कि पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए कौन है। तो वहाँ पर 2-3 ऑफिसर थे जो इस काम के लिए रखे गए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑफिसर्स से मिलिए और किसी से भी पूछिए कि सर मेरा इसमें हुआ है, तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे बता देगा कि हाँ इसके ऑफिसर कौन है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और समय से पहुँचें, समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और फिर इनका क्या क्या हुआ वो मैं सारा का सारा एक एक स्टेप करके बताता हूँ। कि सबसे पहले तो इनको जो अटेस्टेशन फॉर्म थे 2 और ज्वाइनिंग लेटर, करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों, और करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो बॉन्ड था, एक बॉन्ड और एक वो क्या था शपथ पत्र, तो इन सबको ले लिया गया इनसे और बड़े तरीके से चेक किया कि किसी के में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जिसके में और 17 लड़के थे, 17 लड़कों का पहले जमा कर ली सबकी फाइल, फिर एक एक करके सबको बुलाया गया और बुला करके फिर बाद में सबको, मतलब जो भी जिनके में जो भी कमी थी उस सारे को दूर करवाया गया। और सबको बड़े तरीके से समझा रहे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव, जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे कोऑपरेटिव हैं। उन्हें भी पता है कि आप रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनने जा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा पहले उन्होंने 17 फाइल कलेक्ट करके सबको एक एक करके बुलाया और सबके में जो जो कमी थी वो सबको बोला। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी अच्छे से भर के लाएं, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको वो सीधा घर पे भेज देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि वो जॉइनिंग नहीं देंगे, जॉइनिंग तो देंगे आपको, लेकिन जॉइनिंग आपकी डिले हो सकती है और ये भी हो सकता है कि मतलब आपको अगर वो भेजेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको वो घर से फिर दोबारा कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो आप अगर दूर के हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, अगर पास के हैं तो भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि घर पे बार बार जाना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी को अच्छे से भर के ले जाएँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है अगर बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी से रिलेटेड, तो आप जेड स्क्वायर क्लासेस जो कि मेरा चैनल है यही, तो इसी पे आप विज़िट करिए बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी के नाम से। आपको इसी प्लेलिस्ट में RRB ग्रुप डी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और मैं बताता हूँ, सबसे पहले उन्हें ये दिया गया, फिर उनको एक शपथ पत्र दिया गया जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें कैंडिडेट का नाम था कि मैं जो भी है फिर पुत्र किसका निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ, मैं भारत और भारतीय जो विधिवत विधि के प्रति विश्वास और सत्यनिष्ठा रखूँगा और मुझे सौंपे गए कर्तव्य में निष्ठा ईमानदारी से और मित्रता पूर्वक पालन करूँगा। और यहाँ नीचे साइन वाइन करवाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दिया गया था और एक डायरी टाइप की आपको मिलेगी। डायरी क्या, एक नोटबुक टाइप की है जो कि आपको बहुत अच्छे से भरनी है। अगर आपने उसमें कोई गलती करी तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसी से आपका जो भी है सारा का सारा उसी बुक से होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो भी सैलरी है या फिर जो आपकी जब रिटायरमेंट होगी ना पेंशन वेंशन के लिए, तो वो सारा का सारा आप इसी से प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप अच्छे से इसको भरना, तो मैं भी बता देता हूँ एक बार आपको कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और ऐसी धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये देखिए ज़रा, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जन्मतिथि इतनी है, ठीक है। और जो भी है ऊपर लिखा है, ऊपर आपको लिखना है। वैसे तो वो सारे का सारा आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे फिल करना है, ठीक है।
तो इसमें लिखा है मैं घोषणा करता हूँ मेरी जन्मतिथि जो भी है वो है, और लिख देंगे आप और नीचे लिखेंगे मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जो जाति है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, और नीचे साइन कर देंगे आप। फिर उसके बाद पहले नंबर पर लिखा है पूरा नाम साफ अक्षरों में, तो आप ब्लॉक लेटर में लिखें या हिंदी में लिख सकते हैं, बस शुद्ध लिखिएगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लड़की हैं तो आप श्रीमती कुमारी से लिख सकते हैं, अगर आप लड़के हैं तो पूरा नाम ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे फादर्स नेम, फिर पति का नाम अगर आपकी शादी है और आप गर्ल हैं तो, ठीक है। फिर राष्ट्रीयता जो भी है इंडियन, अनुसूचित जाति हैं या पिछड़े जनजाति या पिछड़े वर्ग के हों तो वो आप लिख सकते हैं। आपकी जन्मतिथि तारीख लिख दी है शब्दों और अंकों दोनों में, तो शब्दों और अंक दोनों में आपको लिखना है। नियुक्ति की तिथि क्या है वो लिखना है, स्थान, ठीक है ना, वो स्थान तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि अभी ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है तो पता ही नहीं है कि कहाँ किसको मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी एक महीने की होने वाली है लगभग, तो आप उसके लिए रेडी रहिए, और 26 तारीख से ही सबकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये लिखा है कि नियुक्ति का वेतन स्तर 10 नंबर पे, और वेतनमान ये लेवल 1, और ये सारा का सारा आप देख सकते हैं सेम ऐसे ही बनना है आपको अपने अकॉर्डिंग। हिंदू और जो आपकी पहली नियुक्ति के समय जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, BSc विद मैथ, इंटर या हाई स्कूल जो भी है, वो सारा का सारा लिखना है आपको। अपनी लंबाई जो बिना जूतों के कितनी है, ठीक है, स्थाई घर का पता, और ये नीचे जो लिखा है सबसे नीचे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, नामिका और कनिष्का, तो आपको वैसे तो वहाँ पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चले वहाँ तो मैं भी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पहला अंगूठा लेफ्ट थंब का, ठीक है। फिर आपको जो अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहले जो अंगूठे के जस्ट बगल में जो उंगली होती है वो वाली, फिर उसके बाद उसके दूसरे नंबर वाली तर्जनी, फिर वहाँ से मतलब नंबर नंबर से, फिर उसके बगल वाली, फिर लास्ट वाली जो सबसे छोटी उंगली होती है वो। तो ऐसे आपको अंगूठे के निशान लगाने हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हाँ, दूसरा पेज था इसका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, यहाँ पे हमसे मना कर दिया था कुछ भी फिल करने को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो स्वास्थ्य परीक्षा जो मेडिकल का हुआ था वो यहाँ पे फिल करवाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने जो स्लिप है मेडिकल की उसमें से देख देख के फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने जो मेडिकल स्लिप है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ क्या है, जो आपका मेडिकल हुआ था उसी स्लिप को वो आपको तीसरे नंबर पेज पे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका थर्ड पेज होगा उस पे चिपका के आप अच्छे से उसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है मेडिकल चिकित्सा विभाग की जो इन्हें मिला है फिट A2 एंड अंडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो A2 है इनका और आगरा कैंट में इनका हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो ये इन्फॉर्मेशन है, और आप और यहाँ पे ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है बहुत नीचे से, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डरिए मत। तो यही अपडेट है, और कुछ अपडेट होता है तो मैं बताऊँगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं या तो वीडियो बनाऊँगा उस पर सेपरेट, आप बेझिझक हो के बस वीडियो बना वो कमेंट लिखते रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और मैं सारा का सारा दिन यहीं पे हूँ, तो लाइव इंटरव्यू भी करूँगा कुछ बच्चों का, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को मैं हेल्प कर सकूँ बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।